principles of systematics module 30 in this module we will discuss physiological characters pichle module ke andar humne physiological characters ke bare mein dekha tha aur humne ye baat ki thi ke physiological characters taxonomically ये एक low weightage character है और हमने ये बात भी discuss की थी कि फिजोलॉजिकल करेक्टर प्रिजर्व एनिमल्स के अंदर स्टडी नहीं किया जा सकते ये इनका ड्रॉबैक है इस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट सीरोलॉजिकल प्रोटीन्स या बायोकेमिकल डिफरेंसेस जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर मौजूद हैं, उसके बारे में देखेंगे सीरोलॉजी बेसिकली क्या है इट इज बेसिकली कंसर्न विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंड एंटीबॉडीज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीजन क्या है बेसिकली एंटीजन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इनिशिएट करवा सकते हैं बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो हमारा जो अम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दे इससे क्या मुराद है एक्टिवेट करने से मुराद है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस खासतौर पे जो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है उसको वो स्टार्ट करवा दे तो ऐसा कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं और एंटीजन जब किसी एनिमल की बॉडी के अंदर आता है तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं इनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं और ये देखा गया है कि जो प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट जब बॉडी के अंदर रिस्पांस होता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि रिलेटेड होते हैं उनके अंदर ये रिस्पांस ज़्यादा स्वेयर होता है जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली कम होता है ये इसने 1943 के अंदर ये बताया कि जो एंटीजन हैं, बेसिकली ये हाईली कंजर्व प्रोटीन्स हैं एक स्पीशीज के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजें हैं ये कंजर्व होती हैं और एक जो ऑर्गेजम्स की प्रोटीन है इनका जो रिएक्शन होता है एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सिबले इसने नाइनटीन के अंदर एग वाइड प्रोटीन जो है इसको 100 बर्ड्स के अंदर स्टडी किया और इस प्रोटीन की बेस के ऊपर इसने बर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसने सेपरेट किया इसका मतलब है कि प्रोटीन का जो करेक्टर है इसको हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ऑर्गजम्स के अंदर जो प्रोटीन के अंदर जो सिमिलैरिटी है मुख्तलिफ ऑर्गजम्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेजम्स के अंदर प्रोटीन डिसिमिलर है उसकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो है उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं तो इन करेक्टर्स की बेस के ऊपर जो कि फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं हम स्पीशीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं ये प्रिजर्व ऑर्गम्स के अंदर स्टडी नहीं किए जा सकते